Alif Layla, Alif Layla. Alif Layla, Alif Layla, Alif Layla. Har shab nayi kahani, dilchasp hai bayani. Sadiyan guzar gayi hai, lekin na ho purani. अलिफ लैला अरबी भाषा में लिखा गया एक महान क्लासिक है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि हजारों साल गुजर जाने पर भी इसकी कहानियां पुरानी नहीं हुई। इन कहानियों की अजमत और महानता का असली राज इस बात में छुपा हुआ है कि इन किस्सों की जादूगरी के पर्दे में इंसानी जिंदगी का गहरा फलसफा छुपा दिया गया है। मुख्तलिफ हालात में इंसानों को कैसे जिंदा रहना चाहिए, हर मुसीबत का मुकाबला कैसे हिम्मत और दिलेरी से करना चाहिए, अपने बुजुर्गों के लिए इंसान का क्या फर्ज है, बीवी बच्चों दोस्तों और दूसरे इंसानों से किस तरह मोहब्बत करनी चाहिए, और मुकाबले में चाहे कोई जिन हो या जालिम जादूगर, किस तरह इंसान को अपने अल्लाह और भगवान में भरोसा रख के उसे टक्कर लेकर नेकी और अच्छाई की हिफाजत करनी चाहिए। इसीलिए इसे सुनते हुए जहां बच्चों का तखय्युल और कल्पना उड़ने वाले घोड़ों, बोतलों में बंद भयानक जिन्नों और कोहे काफ की खूबसूरत परियों की मानसिक तस्वीरों में खो जाता है, वहां उसके अंदर बहादुरी नेकी और एडवेंचर के जज्बात भी उभर आते हैं। ये कहानियां ये साबित करती हैं कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, यानी बाकी तमाम जीवों से इंसान का दर्जा ऊंचा है। वो जब तक नेकी और सच्चाई की राह पर चलेगा, उसे दुनिया और कायनात की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अलिफ लैला की ये कहानियां मुल्क फारस के सुल्तान शहरियार की है। ये सुल्तान नहायत रियाया परवर और नेकी का दिलदादा था। उसे इल्म और हिकमत से लगाव था, लेकिन एक छोटी सी बात ने बादशाह वक्त सुल्तान आजम के दिली जज्बात को कुछ इस तरह मजरूह किया कि अपने एक बीवी की बेवफाई ने उसके सीने में औरतों के खिलाफ नफरत का दहकता हुआ जहन्नुम खोल दिया। औरतों से नफरत की इस आग को सर्द करने के लिए उसने एक अजीब सा रास्ता इख्तियार किया। वो हर रोज एक नई लड़की से शादी रचाता और शबे उरूसी के खत्म होते ही उसे मौत के हवाले कर देता। दुल्हनों की आहो बुका से सुल्तान आजम के दिलो दिमाग को एक अजीब सी पुरकैफ तस्कीन और मुसर्रत हासिल होती। इस खून आशाम रविश ने रियासत के बाशिंदों की नींदें हराम कर दी थी, यहां तक कि बादशाह के दरबार के वजीर उमरा सभी परेशान थे। काजी वक्त दिन रात अल्लाह से दुआएं मांगता कि अल्लाह सुल्तान को सीधी राह दिखाना, लेकिन सुल्तान के जुल्म को कोई न रोक सका।
आप इस शहर के काजी हैं, आखिर कब तक ये बूढ़े कंधों पर अपनी बेटियों की लाशें ढोते रहेंगे? क्या ये कभी न खत्म होने वाला आजाब है हम पर? मोहतरम बुजुर्ग, आपकी रसाई तो सुल्तान तक है, क्या क्या आप हमारी ये फरियाद शाही आवानों तक नहीं पहुंचा सकते? सुल्तान इस वक्त जुनून इंतकाम में मुबतला है और जुनून अक्ल को खा जाता है। सुल्तान का जुनून उसकी अक्ल को नहीं बल्कि हम गरीब रियाया की बेटियों को खा रहा है। ये जुल्म तहजीब और इंसानियत की हदों से आगे निकल चुका है। हो सकता है इस मसले का हल वजीर आला फराहम करें। आओ मेरे साथ। रुक जाओ, कहां जा रहे हो? मैं फरियाद लेकर आया हूं। काजी शहर की खिदमत में गुलाम आदाब बजा लाता है। वजीर आला तक हमारा पैगाम पहुंचाओ, हम उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। हुजूर, आप कमरे मुलाकात में तशरीफ रखिए, मैं इत्तला करता हूं। नहीं, हम उनसे यही मुलाकात करना चाहते हैं। आलीजा, काजी शहर आपसे मुलाकात के मुतमन्नी हैं। उन्हें हमारे कमरे खास में ले आओ। उन्होंने महल में आने से इनकार कर दिया है। इनकार? मोहतरम बुजुर्ग, अल सुबह महल पर आपकी तशरीफ आवरी ज़ाय नसीब। ए वजीर, आज शहर का मुनसिफ आपके दरबार में फरियादी बनकर आया है। इस नूरानी चेहरे पर फिक्र और परेशानी की लकीरें किस लिए? ए वजीर बातदबीर, मेरे चेहरे पर परेशानियों की लकीरों की वजह जानना चाहते हो तो उधर देखो। तस्लीम, कुछ लोग काजी मोहतरम के साथ एक लाश को लेकर वजीर आला के पास फरियाद लाए हैं। लाश लेकर हमारे घर में? हुजूर, 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 हुजूर। मैंने अपने खून की एक एक बूंद को पसीने में बहाकर अपनी बेटी को परवान चढ़ाया था, ताकि ताकि अपने हाथों से उसे डोली में बिठा कर उसको विदा कर दूं। मगर अब किन हाथों से उसे कब्र में उतारूं? Yeah.
क्या मेरी बहन को इसीलिए दुल्हन बनाकर भेजा था शाही महल में? अब इसके खून का इल्जाम किस पे होगा? किस पे होगा वजीर आला? वजीर आला, क्या आप यही चाहते हैं कि हर माह सूरज निकलते ही अपनी बेटी के सुर्ख जोड़े को उतार कर उसे अपने आंचल का कफन पहना दें? क्या हर बाप अपनी बेटी के गम में रो रो कर अपनी आंखें खो दे? क्या हर भाई अपनी बहन को मौत की दुआ दे? नहीं नहीं मेरे बुजुर्ग, हम ऐसा हरगिज नहीं चाहते। तो फिर रोक दो इस जुर्म की आंधी को। कहीं इन मासूम जिंदगियों की आहें इस सल्तनत की बुनियादों को हिला कर न रख दें। लिल्लाह लिल्लाह काजी साहब, अपनी जुबान मुबारक से ऐसे नामुबारक अल्फाज ना निकालिए। हम बहुत बेबस हैं। ये बेबसी कैसी है वजीर? आज औरत का तकद्दुस एक जाबिर बादशाह के पैरों तले कुचला जा रहा है। उस औरत का तकद्दुस जिसे अल्लाह ताला ने माँ बेटी बहन जैसे रुतबों से नवाजा है। तुम्हें सुल्तान को रोकना होगा वजीर। आप जानते हैं मोहतरम काजी, अगर हमने सुल्तान को रोकने की कोशिश की तो उसका कहर सल्तनत में कोहराम मचा देगा। सुल्तान के कहर से डरते हो? अल्लाह के कहर से नहीं डरते? अगर खुदा का कहर नाजिल हुआ तो रूए जमीन पर कोहराम मच जाएगा। खुदा ना खास्ता अगर ये बेटी आपकी होती तो भी आप इतने बेबस होते? मोहतरम वजीर, आपकी आंखों से छलकते आंसुओं में इस गरीब रियाया की बेबसी और मजबूरियों का जवाब मिल गया। अब तो फरियाद के लिए एक ही दरबार बचा है, खुदा का दरबार। खुदा का दरबार, खुदा का दरबार, खुदा का दरबार। ये लोग सुल्तान आजम के पागलपन से घबरा कर शहर छोड़कर जा रहे हैं। क्या इन्हें कोई रोकने वाला नहीं? नहीं शहजादी, जो लोग इन्हें रोक सकते थे उनकी जुबान पर ताले पड़े हुए हैं। खुदा का कहर नाजिल हो इस पर, अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा इसको, कभी माफ नहीं करेगा। इस जालिम को सजा जरूर मिलनी चाहिए। शहजादी जी, मेरी दो दो जवान बेटियां सुल्तान के जुनून के नजर हो गई है। अब उस जुनून ने सुल्तान के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा। खुदा का कहर नाजिल हो इस पर, अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा इसको, कभी माफ नहीं करेगा। इस जालिम को सजा जरूर मिलनी चाहिए। हाय मैं मर गई, मैं लुट गई, मेरी दो दो जवान बेटियां सुल्तान के जुनून की नजर हो गई।
क्या बात है जाने बाबा, इस वक्त आप कहां से आ रही हैं? बाबा मैं अभी अभी शहर से आई हूँ। शहर गई थी, किस लिए? अपनी आंखों से वो सच्चाई देखने जो काजी मोहतरम बयां कर रहे थे। तो फिर क्या देखा तुमने? बहुत कुछ। रोती पिलकती माए, शिकवार फरियाद लिए चेहरे, और इसके साथ ये भी देखा कि खुदा की बनाई हुई सबसे खूबसूरत मखलूक औरत, जिसका वजूद आपकी सल्तनत में गुनाह माना जाता है, आपका सुल्तान ये समझता है कि औरत एक नागुजीर बुराई है, एक पैदाइशी वसवसा है, एक आरास्ता मुसीबत है। वो ये समझता है कि औरत शैतान के आने का दरवाजा है। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? मैं सच कह रही हूँ बाबा। कह दीजिए अपने सुल्तान से कि अगर हो सके तो अपने जोरे बाजू से उन किताबों का लिखा मिटा दे जिसमें ये लिखा है कि माँ के कदमों तले जन्नत होती है, क्योंकि माँ वो भी एक औरत ही है। मगर ये सब कैसे मुमकिन है? तो फिर सुल्तान के फितने को रोकना होगा बाबा। हाकिम वक्त बड़ा जालिम है, वो कत्लेआम मचा देगा, और फिर मैं दुनिया को कैसे मुंह दिखाऊंगा? हश्र में अल्लाह को कैसे मुंह दिखाओगे बाबा, जब हजारों बेगुनाहों के हाथ होंगे और आपका दामन? तो फिर मैं क्या करूं बेटी? कुर्बानी। कुर्बानी, ठीक है, तो मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। नहीं बाबा नहीं, आपको आपकी जान से अजीज चीज कुर्बान करनी होगी। हाँ? आपको आपकी बेटी जान से अजीज है ना बाबा? हाँ जाने बाबा। हाँ, तो फिर कुर्बान कर दीजिए मुझे। हाँ? ताकि कयामत के दिन मैं फख्र से कह सकूं कि मेरे बाबा गुनहगार नहीं, जहां वो रियाया की हजारों लड़कियों की जान ना बचा सके वहां उन्होंने अपनी बेटी की जान भी कुर्बान कर दी। उस बदनसीब का ये कैसा इम्तिहान ले रही हो तुम? इम्तिहान तो अल्लाह ने अपने पैगंबरों का भी लिया था बाबा, तो फिर हमारी भी साथी क्या? और फिर हम इतने खुदगर्ज भी क्यों बने कि दूसरों के गमों पर अफसोस तो करते रहे और जब अपनी बारी आई तो हमारे पैर कांपने लगे? नहीं बेटी नहीं। बाबा आपको वास्ता है उन बेगुनाहों का जिनका कत्ल कर दिया गया है। नहीं नहीं। आपको मेरी मोहब्बत का वास्ता? नहीं बेटी नहीं। आपको उस परवरदिगार का वास्ता बाबा? ये कुर्बानी आपका फर्ज है। मेरा पैगाम सुल्तान तक पहुंचा दीजिए। क्या कह रहे हैं वजीर आला? क्या वो नादान लड़की अपने अंजाम से वाकिफ है? क्या आपने उसे बताया नहीं? सुल्तान आजम वो सब जानती है। तो फिर वो बजिद है। वजीर आप तो जानते हैं इस मामले में हमने अपने उजरा और अमीरों की बेटियों को अलग कर रखा है। वाला है तबार, आप मेरी मजबूरी समझ सकते हैं। अगर आपकी बेटी बजित है तो हम उसकी ये जिद पूरी करने के लिए तैयार हैं। मगर याद रहे वजीर, हम उसके साथ भी कोई रियायत नहीं बरतेंगे। औरत चाहे कोई भी हो, हमें उससे सख्त नफरत है। निकाह की तैयारी की जाए।